वेलकम गाइस न्यू लेक्चर में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का है। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम लोग क्यों करते हैं पहले सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या के लिए होता है। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो होता है वो एल्गोरिदम्स का किया जाता है किसी एल्गोरिदम का। तो क्यों? क्योंकि अभी सबसे पहले एल्गोरिदम्स के लिए चार जो फीचर इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर मतलब कि उसका जो मेथड है उससे किसी तरह का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो हो सकता है इस मायने में कि जो इनपुट हम दें उसका एक प्रॉपर सही आउटपुट आए, वो आउटपुट कभी भी मतलब कि चेंज ना हो, मतलब वो कंसिस्टेंट आउटपुट देना चाहिए। तो वो सिक्योर रहेगा कि एक किसी इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। फिर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली से मतलब है कि एल्गोरिदम समझ में आना चाहिए किसी को भी। अगर एल्गोरिदम का स्टेप बताया जाए तो वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को पता चल जाए कि कैसे हम इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कैसे हर एक स्टेप हो रहा है, कौन सा स्टेप कब लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, वो क्लियरली पता होना चाहिए। फिर मेंटेनेबल होना चाहिए। मेंटेनेबल का मतलब है कि वो ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं होना चाहिए। वो एल्गोरिदम सिंपल अवेलेबल रिसोर्सेस के हेल्प से ही हमें इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और चौथा जो है वो होना चाहिए मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब कि उसमें मॉड्यूल्स होने चाहिए, मतलब एक ही बार में पूरा काम हो जा सकता है एल्गोरिदम में, या तो फिर उस काम को हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसे फेजेस हैं, ये काम पहले होता है, वो काम बाद में। इसका एक एग्जांपल जैसे मैं दे सकता हूँ, जैसे हमारा डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एल्गोरिदम होता है, तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ का एक अपना अलग मॉड्यूल है, फिर फूड पाइप दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल स्टमक, चौथा मॉड्यूल इंटेस्टाइन, अलग अलग मॉड्यूल्स। ऐसे ही हर एक एल्गोरिदम में मॉड्यूल्स होते हैं। तो अब ये चार फीचर्स जो है ये एल्गोरिदम्स में होने चाहिए। अब ये चार फीचर्स को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं? परफॉर्मेंस के थ्रू, कि जिस एल्गोरिदम का भी परफॉर्मेंस बेहतर होगा, मतलब वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उससे पता चल जाए। अगर बेहतर परफॉर्मेंस है यानी कि वो ज़्यादा सिक्योर है, यूजर फ्रेंडली है, मेंटेनेबल है, और उसके मॉड्यूल्स हैं उसके पास सही अच्छे खासे, मॉड्यूलर भी है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस ही वो एक स्केल है जिसके थ्रू हम लोग एल्गोरिदम्स का आंसर, ये चारों फीचर्स का एल्गोरिदम्स में चेक कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक टेक्स्ट एडिटर है, तो वो टेक्स्ट एडिटर में 1000 पेजेस हैं को लोड करने में 1 घंटे ले रहा है। एक कोई फोटो एडिटर है जो 1 घंटे ले रहा है एक फोटो को 90 डिग्री से रोटेट करने में, और कोई दूसरा अगर अच्छा एल्गोरिदम है तो वो उसको जल्दी रोटेट करके दे सकता है। किसी एल्गोरिदम से सारे पेजेस को लोड करने के बजाय टेक्स्ट एडिटर वाले में मॉड्यूल्स के बेसिस पे वो पहले फ्रीक्वेंटली एक्सेस पेजेस को लोड कर रहा है। तो अलग अलग एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, एल्गोरिदम्स के अपने परफॉर्मेंस एनालिसिस होंगे। अब दो एल्गोरिदम्स को अगर हमें कंपेयर करना है तो उनका परफॉर्मेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे? जैसे एल्गो 1 है, एल्गो 2 है, अब ये दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब दोनों में से जो फास्टर एग्जीक्यूशन वो करेगा वही बेहतर होगा, फास्ट एग्जीक्यूशन वो बेटर होगा। तो अब ये बेटर पता लगाने के लिए फास्ट एग्जीक्यूशन वाला हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि वो फास्ट है? क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि अलग अलग मशीन की स्पीड अलग अलग होती है, तो जिस पे और इनपुट्स भी, अगर हम सेम इनपुट देते हैं, सेम इनपुट पे दो अलग मशीन्स में दो एल्गोरिदम्स अलग टाइम पे एक्ट किए, फिर दो अलग अलग इनपुट पे वो पे कोई और फास्ट काम किया, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कैसे मेजर करें। तो ये कोई कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है रन टाइम के साथ। रन टाइम मेजर करना, रन टाइम मेजरमेंट, MESUREMENT, रन टाइम मेजरमेंट जो है, मैं इसको इसका स्पेलिंग सही कर देता हूँ, ये क्यों रन टाइम मेजरमेंट। तो रन टाइम मेजरमेंट से दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो मशीन डिपेंडेबिलिटी, क्योंकि इसमें वो फिर मशीन पे डिपेंडेंट होता है कि कौन सा मशीन होगा कैसा होगा, और इनपुट डिपेंडेबिलिटी भी, मतलब ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में देखनी पड़ती है। अलग इनपुट्स पे अलग स्पीड, अलग मशीन्स पे अलग स्पीड। तो रन टाइम मेजरमेंट में ये दोनों इश्यूज आते हैं। अब ये दोनों इश्यूज को ही हैंडल करने के लिए
हमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसिम्प्टोट क्या होता है। तो यहाँ पे जो रेड लाइन से जो कर्व बना हुआ है, ये कर्व है हमारा ये कर्व है ये कर्व y इक्वल टू 1/x-2 का है, y इक्वल टू 1/x-2 का। तो इसमें आप देखिए x इक्वल टू 2 पे जो ग्राफ है वो एसिम्प्टोट होगा, वो कभी भी उससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर ये x इक्वल टू 2 का हम लोग कर्व ड्रॉ, ये ग्राफ जो है थोड़ा जूम आउट हो गया इसलिए आपको सटा हुआ दिख रहा है, वरना ये x इक्वल टू 2 का जो यहाँ पे लाइन है इससे रेड वाला लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इस फॉर्मूले से पता चलता है अगर हम यहाँ x इक्वल टू 2 डालते हैं तो 1/2-2 इक्वल टू 1/0 जो कि इन्फिनिटी, यानी कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलने वाला है इससे। तो इसी को एसिम्प्टोट बोलते हैं। एसिम्प्टोट का मतलब यही होता है कि वो पैरेलल उसके साथ पैरेलल रहेगा बट नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब वो टच करेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, टच एट इन्फिनिटी, इसका ये इसी को एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हमें कैसे हेल्प कर सकती है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम एनालिसिस तो है नहीं, तो हम लोग एल्गोरिदम्स का नंबर ऑफ स्टेप्स देखते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एल्गोरिदम को हम लोग एक ऐसे फंक्शन में बनाते हैं जिसमें कि इनपुट जो है वो इनपुट नंबर ऑफ इनपुट जो है वो उसका नंबर ऑफ इनपुट हम लोग डोमेन बनाते हैं उस फंक्शन का, और आउटपुट क्या होता है, जो आउटपुट है वो नंबर ऑफ टास्क है, आउटपुट नंबर ऑफ टास्क। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम लोग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम लोग का फंक्शन ऑफ इनपुट इज गिवेन एज नंबर ऑफ टास्क फॉर एग्जीक्यूशन। उसको एग्जीक्यूट करने में जितना नंबर ऑफ टास्क लगेगा, यही हमारा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मेन नियम है। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस मैंने आपको बताया कि लिमिट्स होते हैं ये एक तरीके के, तो दो तरह के हो सकते हैं ना लिमिट्स, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, मतलब जिससे कि हमेशा फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ टास्क कम परफॉर्म करेगा, और लोअर बाउंड यानी कि उससे हमेशा ज्यादा ही परफॉर्म करेगा। तो एक एक्स्ट्रा और होता है हमारे पास एवरेज केस, ठीक है। तीन तरह के केस होते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में, दो केसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ अभी हमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में जानना था, क्या एसिम्प्टोट होता है ये जानना था। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, तो एक तो ये होता है लार्ज इनपुट्स के लिए, तो स्मॉल अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज तो ये होता है एक लार्ज इनपुट के लिए, तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि हमें कभी कभी स्मॉल इनपुट्स की भी जरूरत पड़ सकती है और हमेशा लार्ज इनपुट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए पहला डिमेरिट ये हो गया। और इसका दूसरा डिमेरिट हो जाएगा कि जैसे कि एक एल्गोरिदम है जिसमें 1000n log n टास्क है, एक में 2n log n है, तो 1000 और 2 में बहुत डिफरेंस है, पर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम लोग कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं एन की वैल्यू लार्ज समझ के, तो कॉन्स्टेंट्स इग्नोर कर देने से दोनों ही एन लॉग एन हो जाएंगे और दोनों हम कहेंगे कि सेम एल्गोरिथम से सेम ऑर्डर के, पर ये 1000 और 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये नंबर ऑफ टास्क ज्यादा ही परफॉर्म कर रहा है, तो ये वर्स्ट होगा इससे। तो इसलिए एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में ये माइन्यूट डिफरेंसेस नहीं आते, मतलब बेसिकली लार्ज इनपुट होने के कारण ही ये दोनों इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड और एवरेज केस, और उनके लिए तीन नोटेशंस होते हैं वो भी। अभी फिलहाल के लिए थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल।